हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई PLSQL ट्यूटोरियल वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रैग्मा एक्सेप्शन अंडरस्कोर इनिट फंक्शन के बारे में। सो आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं आज के हमारे टॉपिक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्रैग्मा एक्सेप्शन इनिट फंक्शन, देन सिंटेक्स ऑफ प्रैग्मा एक्सेप्शन अंडरस्कोर इनिट फंक्शन और लास्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल ऑफ प्रैग्मा एक्सेप्शन इनिट फंक्शन। और लास्ट हमारी वीडियो का टॉपिक था रेज अंडरस्कोर एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर इन ओरेकल PLSQL। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया। सो आइए आगे बढ़ते हैं आपका ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज प्रैग्मा एक्सेप्शन अंडरस्कोर इनिट फंक्शन। सो प्रैग्मा एक्सेप्शन को सीखने से पहले सबसे पहले आपको जानना होगा व्हाट इज अननेम्ड सिस्टम एक्सेप्शन। अननेम्ड सिस्टम एक्सेप्शन क्या होता है? ठीक है, तो अननेम्ड सिस्टम एक्सेप्शन क्या होता है? दो सिस्टम एक्सेप्शन फॉर विच ओरेकल डज नॉट प्रोवाइड ए नेम इज नोन एज अननेम्ड सिस्टम एक्सेप्शन। ऐसे सिस्टम एक्सेप्शन, ऐसे सिस्टम एरर जो कि ओरेकल ने उसका कोई भी नाम नहीं प्रोवाइड किया, उसको हम क्या बोलते हैं? अननेम्ड सिस्टम एक्सेप्शन। अब इन अननेम्ड सिस्टम एक्सेप्शन को हम दो तरीके से हैंडल करते हैं। देयर आर टू वेज टू हैंडल देम, बाई यूजिंग वेन अदर्स एक्सेप्शन हैंडलर और by associate the exception code to a name using its name exception। या तो हम named exception के साथ हम उसको use कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो भी we can assign a name to a unnamed system exception। हम क्या कर सकते हैं, हम unnamed system exception को हम एक name provide कर सकते हैं by using pragma called exception init। यही है आपका प्रैग्मा एक्सेप्शन इनिट का काम। ऐसे एक्सेप्शन, ऐसे एरर्स जिसका ओरेकल कोई भी नाम प्रोवाइड नहीं कर सकता, आप उस एक्सेप्शन का आप नाम प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, ये होता आपका प्रैग्मा कॉल्ड एक्सेप्शन इनिट फंक्शन का। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो टू हैंडल एरर कंडीशन टिपिकली ओरर मैसेज दैट हैव नो प्रीडिफाइंड नेम यू मस्ट यूज अदर हैंडलर और प्रैग्मा। ठीक है, दो तरीके से आप उन चीजों को प्रीडिफाइंड नेम जिसके नहीं होते हैं आप उसको हैंडल कर सकते हो। ठीक है, यू कैन यूज एक्सेप्शन इनिट इन अ डिक्लेरेटिव पार्ट ऑफ एनी PLSQL ब्लॉक सब प्रोग्राम और पैकेज। ठीक है, एक्सेप्शन इनिट का आपको डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर आपको इसको यूज करना पड़ता है। ठीक है, सेकेंड द प्रैग्मा मस्ट अपीयर इन द सेम डिक्लेरेटिव पार्ट एज इट्स एसोसिएट एक्सेप्शन समवेयर आफ्टर द एक्सेप्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, आई होप आपको व्हाट इज प्रैग्मा एक्सेप्शन आपको समझ में आएगा, क्यों हम प्रैग्मा एक्सेप्शन बनाते हैं, प्रैग्मा एक्सेप्शन इनिट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके सिंटेक्स की तरफ। व्हाट इज सिंटेक्स ऑफ प्रैग्मा एक्सेप्शन अंडरस्कोर इनिट, इसको किस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हो? प्रैग्मा एक्सेप्शन अंडरस्कोर इनिट, देन आपको दो पैरामीटर देने, एक्सेप्शन नेम माइनस एरर नंबर। ठीक है, सो एक्सेप्शन नेम बेसिकली क्या है, जो भी आपने यूजर डिफाइन एक्सेप्शन दिया है उसको आप इसके अंदर आप डिफाइन आपको करना होता है। ठीक है, सेकंड आपका होता है एरर नंबर। एरर नंबर आपका ओरेकल का एरर नंबर होना चाहिए, एनी वैलिड ओरेकल एरर नंबर, दीज आर द सेम एरर नंबर रिटन बाई फंक्शन SQL। ठीक है, सो आई होप आपको सिंटेक्स समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेशन से लेकर सिंटेक्स तक सारी चीजें एक सिंपल एग्जाम्पल में आपको कवर हो जाएंगी, जो भी चीजें मैंने यहाँ पे बताया आपको। ठीक है, सो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हम आ चुके हैं अपने SQL डेवलपर की तरफ, जहां पर मैं आपको बताऊंगा बेसिक टू एंड किस तरीके से, क्यों हमें एक्सेप्शन का जरूरत पड़ती है, क्यों हमें प्रैग्मा एक्सेप्शन इनिट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले जस्ट सपोज आप एक बिगिन एनोनिमस ब्लॉक के अंदर आप एक इंसर्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, जब भी आप इंसर्ट स्टेटमेंट लिखते हो और उसको जब आप रन करते हो सो आपको एक एरर शो होती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो आपको एक एरर शो हुई, ओरा माइनस 01400 कैन नॉट इंसर्ट नल इंटू HR.HR आपका स्कीमा डॉट आपका टेबल नेम डॉट कॉलम नेम। ठीक है, आप इसके अंदर आप नल वैल्यू नहीं भेज सकते। ठीक है, अब आपका एरर आ गया। अगर आपका ये प्रोग्राम थोड़ा बड़ा होता, ठीक है,
सो आपका क्या होता है, ये आपका एबनॉर्मल कंडीशन हो गया, आपका यहाँ पे स्टक हो गया, आप आगे नहीं बढ़ पाए, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम एक्सेप्शन यूज करते हैं, ठीक है। हम आते हैं दूसरे प्रोग्राम की तरफ जहां पर हम एक्सेप्शन। सो अब जो ये हमारी एरर अराइज हुई थी, ठीक है, इसका क्या है, कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, ठीक है, कोई ओरेकल ने इसका स्पेसिफिक नेम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सो अब ये जो अननेम्ड एक्सेप्शन, अननेम्ड एरर है, इसको आप किस तरीके से हैंडल करोगे, या तो आप अदर्स के साथ कर सकते हो या नेम्ड के साथ। सबसे पहले हम देखते हैं किस तरीके से आप अदर्स के साथ कर सकते हो। सो सेम प्रोग्राम लिया, बिगिन इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी लास्ट, और सेम हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमने एक्सेप्शन लगाया, व्हेन अदर्स देन इंसर्ट ऑपरेशन फेल्ड, और डीबीएमएस अंडरस्कोर पुट अंडरस्कोर दिस दिस दिस, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो हमें एक प्रॉपर मैसेज आया, इंसर्ट ऑपरेशन फेल्ड, ठीक है। पहले हमें क्या आ रहा था, एक एरर शो हो रहा था, अब क्या हमें शो हो रहा है, हमें एक अपना मैसेज शो हो रहा है जो हमने डिस्प्ले किया है। अगर इंसर्ट नहीं होता है वैल्यू तो हमें ये मैसेज शो, सो हम समझ पाएंगे क्या इशू आ रहा है, ठीक है। सो ये हमारा अदर्स के थ्रू हमने हैंडल करा। अब इन अदर्स को आप क्या कर सकते हो, इस अननेम्ड को आप नेम्ड एक्सेप्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। किस तरीके से, अभी इसको भी हम देख लेते हैं। सो आपको करना क्या है, डिक्लेयर सेक्शन, डिक्लेयर आपने कीवर्ड लिखा, देन आपको यूजर डिफाइन एक्सेप्शन, ये आपका क्या है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है, ठीक है। ये हो गया आपका यूजर डिफाइन एक्सेप्शन, देन हमने मैसेज लिखा हैंडल कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू लास्ट नेम। उसके लिए आपने क्या किया, प्रैग्मा एक्सेप्शन अंडरस्कोर इनिट, देन आप आ जाओ सिंटेक्स की तरफ, ठीक है। सिंटेक्स आपको क्या है, प्रैग्मा अंडरस्कोर एक्सेप्शन अंडरस्कोर इनिट, देन आपका क्या है, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन नेम, देन -01400 आपका एरर नंबर जो भी हमें यहाँ पे मिला था, ठीक है, एसक्यूएल कोड से वो हमने एरर नंबर दे दिया। बिगिन इंसर्ट इनटू सेम हमने इंसर्ट स्टेटमेंट लिया, एक्सेप्शन व्हेन, पहले हम क्या यूज कर रहे थे, हम अदर्स यूज कर रहे थे, अब क्या है हमारा नेम्ड, अब ये क्या है, नेम्ड हो गया हमारा, नेम्ड एक्सेप्शन, व्हेन नेम्ड देन इंसर्ट ऑपरेशन नेम, देन DMS underscore output dot put line insert operation failed, ठीक है, तो हो गया insert operation failed। सो ये हो गया आपका pragma exception underscore init function का यूज, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकेंड चीज है, अगर आप इसमें एरर नंबर आप सही नहीं देते हो, ठीक है, सपोज कुछ आपने कोई एरर नंबर दिया, इनलीगल और कल एरर नंबर 1 फ्रॉम प्रैग्मा एक्सेप्शन इनिट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप अपने फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।